नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। आज के टॉप हेडलाइंस है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका कभी न समाप्त होने वाले हास्यास्पद विदेशी युद्धों से दूर रहेगा, एजेंसी वाशिंगटन। भारत सीमा पर सशस्त्र बलों की संख्या बढ़ा रहा है नेपाल, दारचूला में बनेगा सैनिकों का अड्डा। पेरिस में शार्ली एब्दो साप्ताहिक पत्रिका के पूर्व कार्यालय के पास हमले में 4 लोग घायल। चीन ने 16,000 मस्जिदों को ढहाया, मुसलमानों से धार्मिक आजादी यूं छीन रहा ड्रैगन। नेपाल की धरती पर कब्जा करने वाले चीन को ओली सरकार ने झटपट दी क्लीन चिट, अधिकारी से मंगवाई माफी, विपक्ष ने खोली पोल। तनाव देने वाला है यह शोग, कोरोना की फर्जी खबरों पर युवाओं को सबसे ज्यादा भरोसा। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित, आतंकवाद के मुद्दे पर होगा जोर, पाकिस्तान को देंगे करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मसले पर झूठ बोल रहा था पाकिस्तान, भारत ने ऐसे लगाई फटकार। कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में कृषि विधेयकों लागू नहीं हो, कांग्रेस व राकांपा। तेजस्वी तेज प्रताप और पप्पू यादव समेत 7 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। नीतीश, लालू, राबड़ी, सुशील मोदी व मांझी को जेड प्लस की सुरक्षा, तेजस्वी को वाई प्लस। पीसी में उपेंद्र पर कुछ नहीं बोले नीतीश, चिराग पर कहा बीजेपी को करना है फैसला। भाजपा दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे जाप नेताओं की पिटाई, गुप्तेश्वर पांडे ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की, एनडीए में जाने के दिए संकेत। कटिहार नगर थाना पुलिस ने नया टोला में शराब पीकर हंगामा कर रहे शख्स को किया गिरफ्तार, मेडिकल कराने के बाद भेजा जेल। किसान बिल के विरोध में हल और बल लेकर राजद नेता ने समाहरणालय के सामने किया प्रदर्शन। अमीराबाद, महावीर नगर के लोगों ने जल जमाव की समस्या को लेकर किया रोड जाम, जमकर किया प्रदर्शन। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पीसीसी सड़क सहित नाला निर्माण कार्य का विधायक ने किया शिलान्यास। सदर अस्पताल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस का हुआ आयोजन, फार्मासिस्ट के कार्यों की दी गई जानकारी। कोड़ा विधायक ने विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास, करीब 4 करोड़ की लागत से किए जाएंगे कार्य। डूमर चौक पर युवक को पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद लालकोटी में मोहल्ला हुआ जलमग्न, लोग परेशान। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27।